ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, अगर साल दो साल पहले करते तो इनकी गाड़ी ठीक ठाक चल जाती। अब गाड़ी पटरी से उतरी हुई है, घोषणाओं का कोई असर नहीं पड़ता। मतदाता अपना जो भी वोट डालने का फैसला है वो चुनाव से चार छः महीने पहले कर देता है। अब वो स्थिति है नहीं। और फिर साधारण मतदाता ये भी समझता है कि ये सिर्फ चुनावी चीज़ है जो बोलने को कहने को है। अगर मन में सही इरादा होता तो ये साल दो साल पहले, तीन साल पहले, बल्कि शुरू में जो चीज़ें आप करते हो, अब राजनीतिक लोग ये समझते हैं कि शुरू में कर दी तो जो आखिरी का पांचवा साल होगा उसमें क्या करेंगे। तो ये विरोधाभास है राजनीतिक सोच का, और उसी का परिणाम भुगत रही है भारतीय जनता पार्टी। आप ये मान के चलो कि हरियाणा में जब से चुनाव होने लगे हैं, पाँच से और दस के बीच में निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। निर्दलीय क्यों जीतते हैं ये समझने की बात। निर्दलीय तब जीतता है जब दो राजनीतिक दल, बड़े राजनीतिक दल, पहले तो बीजेपी बड़ा राजनीतिक दल नहीं थी हरियाणा में, अब है बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी, भी बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस, और ये दो ऐसे आदमियों को चुनाव लड़ाने के लिए उतारने हैं जिसको लोग ये कहेंगे क्या है? फिर कोई अगर शक्तिशाली राजनीतिक रूप में कोई उभर के कोई निर्दलीय आता है तो उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पार्टी हमेशा ये सोचती है कि हम अच्छे से अच्छा उतारें। अब भारतीय जनता पार्टी फंसेगी इस बात के लिए कि वो ढूंढेगी आरएसएस का कहां से लेके आए, हरियाणा में आरएसएस है नहीं, वो ऐसे ऐसे खड़े कर देंगे आराम से, कांग्रेस को कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी को भी ये फैसला कर लेना चाहिए, कांग्रेस को भी कर लेना चाहिए, और जो दूसरे दल हैं, जो जेजेपी है, एक हलोपा है, और इस तरह निर्दलीय हैं, ये सब मिलके कहें कि एक हमारी बेटी ने इतिहास रचने का एक कदम बढ़ाए थे, तीन कदम सफल रहे, चौथे कदम में परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, तो क्यों ना सब मिलके उनको सम्मान के तौर पे राज्यसभा में भेजें, भेजना चाहिए जी। अब कोई ज़रूरी थोड़ा है कि बीजेपी ये कहे नहीं नहीं ये तो आरएसएस की नहीं है, इसकी बहन आरएसएस की है, शायद उसको भेज दें। नहीं, सम्मान अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस लड़की ने दिलवाया है विनेश ने, और ये सम्मान की भी बात नहीं, इसने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए लड़कियों का जो आंदोलन था उसमें भी इसकी मुख्य भूमिका थी, तो राजनीतिक भी है ये, और आलीशान इसकी परफॉर्मेंस रही और बेस्ट खिलाड़ी है, तो तीन चार चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो कर देना चाहिए। आप अभी चौटाला परिवार की बात की, चौटाला परिवार का कोई सदस्य ऐसा था जिसने राष्ट्रीय स्तर की तो बात छोड़ो, प्रदेश स्तर पे किसी खेल में कोई प्रतिभा का धनी रहा हो, किसी ने कोई चुना, कोई जीता हो बड़ा खेल में इनाम, लेकिन कोई बॉक्सिंग का चेयरमैन, कोई वॉलीबॉल का चेयरमैन, कोई रेसलिंग का, और अब इसी तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी में भी शुरू हो गई कि इस एमपी को बढ़ा दो इस फेडरेशन का, ये गलत है आपको। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो घटना घटी है इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो जो संस्थाएं हैं खेल से जुड़ी हुई, उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप की कमी रही है, और उसी कमी की वजह से विनेश को ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। ना तो आप एक खिलाड़ी को जो 53 किलो में लड़ती थी 50 किलो में लड़ाते हो, तो उसका डाइट करने वाला, उसका कोच, उसके साथ चार चार उसके फिजियोथेरेपिस्ट और पता नहीं कितने लोग होते हैं, जिम्मेदार हैं ये लोग कि भाई आप किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हो जिसमें आपका 50 किलो से ज़्यादा वजन बढ़ जाए। तो इन घटनाओं को
साधारण तौर पे या राजनीतिक तौर पे नहीं देखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि चाहे वो स्टेट फेडरेशन है, चाहे डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है खेलों की, और चाहे राष्ट्रीय स्तर की, और चाहे इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी ऐसे ही है, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष, ऐसे भी किस्से हुए हैं। तो इसलिए मेहरबानी करो, खेल को खेलों जैसा बनाओ और उनको आज़ादी दो, खेलने वालों को और खेल सिखाने वालों को, ताकि उन फेडरेशन को, उन एसोसिएशन को वही ठीक रूप से चलाएं। ये है।